जेबीडी कल्याण समिति की ओर से हांसी रोड पर पीर के समीप वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए पौधारोपण किया गया, जिसके चलते जेबीडी कल्याण समिति के संरक्षण भारत भूषण कपूर ने स्वयं अपने कर कमलों से पौधारोपण किया और हर व्यक्ति को पौधा लगाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण होता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। आज के दौर में ज्यादातर जमीन पर कंक्रीट का निर्माण हो चुका है, परंतु जमीन पर पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिव एनर्जी पेड़ पौधों के आसपास मिलती है, इसलिए प्रदूषण रोकने का एकमात्र साधन ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं। उन्होंने हांसी रोड पर फुटपाथ के मध्य पौधा लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। गौरतलब है कि जेबीटी कल्याण समिति समय समय पर सामाजिक कार्य करती है, जिसके चलते ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, सस्ती रसोई चलाना व पौधारोपण करना मुख्य रूप से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पौधारोपण अभियान में भाग लेकर आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। इस अवसर पर जेबीटी कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी व्यक्ति मौजूद रहे। देख रहे हैं पर्यावरण की वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, कहीं तो अकाल ही पड़ रहे हैं और कहीं बाढ़ आ रही है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए करनाल के अंदर एक हरित क्रांति का जैसे आगे थोड़ा आगे हो प्रोग्राम हमारे करनाल की मेयर मैडम रेणुबाला गुप्ता की तरफ से, हमारे करनाल के नगर निगम के कमिश्नर श्री रजीव मेहता जी की तरफ से, श्री दिनेश कुमार जी की तरफ से, हमारे करनाल के उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह जी की तरफ से, जो हरित क्रांति का करनाल के अंदर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हम ये लगभग 52 पौधे इस हांसी रोड के ऊपर लगाने जा रहे हैं, ताकि आने जाने वाले जो भी पथिक हैं उनको भी छाया मिले और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये आज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।